दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट बबीता राव हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि वो किस तरह यहाँ पर जो है पहलवानों का समर्थन देने पहुँचे। मैं पहलवानों के समर्थन में आई हूँ, ये देश का गौरव है, देश की बेटियाँ हैं। आज जब इनके मान सम्मान की बात आई है तो हम इनके साथ खड़े हैं और ये देश की बेटियों की इज्जत की बात है, उनके मान सम्मान की बात है और आज मैं इनके मान सम्मान की लड़ाई में इनके साथ खड़ी हूँ। बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों लगा, क्या ये कहा जा रहा है कि बीजेपी समर्थन कर रही है? बीजेपी समर्थन कर रही है, बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, पहले तो FIR नहीं हो रही थी, दिल्ली पुलिस कोई FIR नहीं कर रही थी। जस्टिस चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया तब तो दिल्ली पुलिस ने FIR की है और पोक्सो में FIR होने के बाद इमिजिएटली अरेस्ट किया जाता है एक्यूज को, और यहाँ पे एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है पूरी की पूरी बीजेपी एक इतने बड़े क्रिमिनल को, जिसके खिलाफ ऑलरेडी इतनी सारी FIR हुई हुई है, जिसने ओपनली मीडिया पे अपने आप उसने ये बात कही है कि मैंने एक मर्डर भी किया हुआ है, एडमिट कर रहा है वो ओपनली मीडिया के सामने, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी की पूरी बीजेपी सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई है, अपने नेताओं को बचाने में लगी। बयान वो ये दे रहे हैं कि क्या मैं शीलाजीत की रोटियां खाता था, जो इस तरीके से मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या? वो इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, वो आके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन करते? अगर वो बेकसूर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, ट्रायल फेस कीजिए। क्या उनको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? न्याय व्यवस्था तो सबसे बड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है, उसके ऊपर ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव चलता है ना किसी और का दबाव चलता है। अगर वो बेकसूर है तो आके ट्रायल फेस कीजिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। वो यही साथ में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि बजरंग पुनिया की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि लड़कियां चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहिए? वो सब झूठी बातें हैं, ये लोग ऑडियोस को मैनुपलेट करके जो चीज़ें किसी के खिलाफ जाती हैं बस उसको ब्लैकमेल करने के लिए मैनुपलेट करके इस तरह की ऑडियोस, इस तरह के विजुअल्स ये लोग चला देते हैं। आप देखिए कितनी बार इन लोगों ने इस तरह के विजुअल्स चलाए हैं जिसमें एडिटिंग करके ये लोग जो बातें कुछ और होती है उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसको ये प्रोपेगेंडा करने के लिए कि भाई इन लोगों को दबाया जाए, किसी तरीके से डराया जाए, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। बृजभूषण ये कहते हुए आ रहे हैं कि ये सब राजनीतिक पार्टियों का एक तरीके से इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ये रोटियां पार्टियां नहीं, आम जनता इनके साथ खड़ी है। हर वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हैं, हर खाप के लोग आए हुए हैं। आप देखिए जितने भी हरियाणा से, दिल्ली से, हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़े हैं। ये अगर राजनीति तो बीजेपी क्यों नहीं आ रही राजनीति करने के लिए? बीजेपी को किसने रोका है? बीजेपी क्यों नहीं कर रही इसमें राजनीति? ये तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आके करे ना राजनीति, बीजेपी बचाए अपने नेताओं को, क्यों नहीं बीजेपी आ रही है सामने?